साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यार बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 11 के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर लेकर के आ चुके हैं, और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर जो है ना बताने वाले हैं, क्योंकि पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे। चलिए विषय को देखिए, 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो मैं ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, नहीं तो इस चैनल पे जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हो ऑब्जेक्टिव का भी। तो चलिए यहां पर आपका स्टार्ट होता है जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख सकते हो। तो इसमें देखिएगा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होगा, पहले लघुत्तरीय होगा, इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो बोला गया कि ऐसे कौन से जो है ना, देखिएगा प्यार बच्चों, ऐसे कौन से, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि ऐसे कौन से कारण थे जिसमें 15वीं शताब्दी में यूरोपीय जो है ना नौचालन को सहायता मिली। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि कौन सी नई खाग जो है ना वस्तुएं दक्षिण अमेरिका से जो है ना बाकी दुनिया तक में भेजी जाती थी। तीसरा है कि समुद्री मार्गों की खोज का जो है ना अमानवीय पहलू क्या था। और चौथा है कि अमेरिका में वगान प्रथा लागू होने से किस प्रकार की दास प्रथा को बढ़ावा मिला। पांचवा है कि अजटैक सभ्यता के 2 जो ना प्रमुख नगर कौन थे। और छठा है इंका सभ्यता का आरंभ कब एवं कहाँ हुआ। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 बोला जा रहा है आप लोगों से। अजटैक सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। आठवां, इंका सभ्यता का विनाश किसने और क्यों किस प्रकार किया। नौवां है कि जो ना कुस्टूनिया का पतन कब हुआ, इसका कारण परिणाम क्या हुआ। और दसवां है कि माया सभ्यता की 2 विशेषताएँ लिखें। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में देखिएगा 1 से 10 तक क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला है, टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चन को। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो 11 नंबर बोला, दक्षिण अमेरिका की खोज के ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास का को कैसे जन्म दिया, संक्षिप्त करें। 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग की खोज किस के कारणों का वर्णन करें। 13 की माया सभ्यता के विस्तार एवं जो है ना सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। 14 है कि एजटेक सभ्यता के विस्तार एवं उपलब्धियों का विवेचना करें। और 15 है कि अमेरिका के में एजटेक एवं इंका सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन था, एंड इसका उत्तर भी जो है अभी मैं बताऊँगा। पहले इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए चलिए हम लोग सीखते हैं। पीडीएफ आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाए, जैसे ही ओपन होगा आपको थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपके सामने जो है ना क्लास 2A 11th का सेशन यहाँ पर देखने को आपको जो है मिल जाएगा, क्लास 11th का सेशन, क्लास 11th सितंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 से फर्स्ट में जो लिखा है इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे, यहाँ पर नीचे आओगे तो यह साइंस का सेशन है, यहाँ पर क्लिक आप लोग मत करना, आगे बढ़ोगे थोड़ा सा नीचे, ये आर्ट्स का सेशन है। आर्ट्स के सेशन में ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोगों को करना है जो है ना हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर हिस्ट्री है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करिए। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको पेज वगैरह को यहाँ रिफ्रेश करना है जब भी आना है, क्योंकि जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे सब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको नहीं मिलेगा। उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना है ना। तो आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव का आंसर की ये रहा, आप इसको लिख लीजिएगा। एंड सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव आंसर जो लिखा है, इस पर भी क्लिक करके आप लोग आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको आंसर की मिलेगा। तो आप आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करिए, आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो दिया गया है, आप लोग जाकर के वहां से डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा कि 1380 में जो ना कुटुनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, इससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी नहीं मिल सकती थी। दूसरा लिखना है पॉइंट में, समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाजों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था, बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई कर सकता था। अब
दूसरा नंबर लिखना है कि उत्तर की अमेरिका दक्षिण अमेरिका में बाकी दुनिया से को भेजी जाने वाली खाद्य वस्तुएं निम्नलिखित थी: आलू, तंबाकू, गन्ने से बनी चीनी, रबर, लाल मिर्च, इमारती लकड़ी, कोको और चॉकलेट बनाने वाले जो ना काकाओ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग एक पुर्तगालियों की खोज केक ऑफ गुड होप के माध्यम से यूरोप से सीधे भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ना अपाली दर्ज की गई यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा कि धनी जमींदारों ने पूर्व गिरमिटिया सेवकों के लिए जमीन खरीदना और भी कठिन बना दिया, इससे वर्ग विभाजन तेज हो गया क्योंकि कम संख्या में लोगों के पास बड़े बड़े बगानों का स्वामित्व, धनवान लोग हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा, एजटेक जो ना 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मैक्सिको और एक जो ना साम्राज्य था एजटेक लोगों की राजधानी जो ना टोनो चटलिन थी और वो वर्तमान में मैक्सिको में फंस गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन के उत्तर की बात करेंगे तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर है 11 का उत्तर कि यूरोप के देश विशेष का स्पेन तथा पुर्तगाल सोने चांदी की लालची थे। उन्हें दक्षिण अमेरिका में भारी मात्रा में सोना चांदी मिलने की आशा थी, इसीलिए यूरोपवासी दक्षिण अमेरिका में विभिन्न प्रदेशों में जमा जा बसे। उन्होंने अपने सैन्य बल तथा बारूद के प्रयोग द्वारा अपना शासन स्थापित किया। 13-12 का उत्तर होगा, युग अथवा जो है ना खोज नावों का युग हुआ समय था जब 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के प्रारंभ तक यूरोपीय देशों ने व्यापार की खोज में समुद्र राष्ट्रीय दुनिया में अनेक नए हिस्से की खोज की। इस व्यावसायिक खोज की प्रमुख लक्ष्य सोना चांदी और मसालों की प्राप्ति किया करना था। आगे यहाँ पर 13 का उत्तर होगा कि माया सभ्यता की उपलब्धियां निम्न इसके निर्माण गणित, खगोल विज्ञान, कला और साहित्य में देखी जा सकती है। हुए जटिल धार्मिक प्रथाओं और व्यापक आर्थिक सैन्य और कृषि प्रयासों में भी लगे रहे। वे अपने व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए अपने स्वयं के कैलेंडर और सिंचाई प्रणाली बनाने तक चले गए। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का उत्तर हमने बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट पेपर आपका मैं डालने वाला हूँ, जो भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।